सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। तस्वीरें हम आपको फतेहाबाद की अनाज मंडी की दिखा रहे हैं, जहां पे ढोल नगाड़ों के साथ महिलाएं और जो पुरुष हैं वो डांस करते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज जननायक चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर बड़ी रैली फतेहाबाद में होने जा रही है और ढोल की थाप पे महिलाएं और पुरुष हैं वो डांस कर रहे हैं, नाचते गाते हुए इस रैली में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज बड़ी रैली है वो इंडियन नेशनल लेवल की ओर से आयोजित की जा रही है फतेहाबाद की अनाज मंडी में, जहाँ पे जो लोग हैं वो पगड़ी पहन करके आए हैं, हरी पगड़ी पहन के आए हैं। महिलाएं जो हरा सूट पहन करके महिलाएं हैं वो यहाँ पे आई हैं, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से डांस किया जा रहा है। और हम हमारे साथ गांव किरमारा से हिसार जिला। हाँ जी, हाँ जी, क्या लग रहा है इस रैली से समीकरण? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया एकदम ओके। हाँ, ताऊ की रैली बहुत बढ़िया एकदम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपको दिखा रहे हैं कुछ और लोग किरमारा से। हाँ, क्या लग रहा है इस रैली के बाद समीकरण बदलेंगे? हाँ, रैली के बारे में रैली के साथ है रामसरा फतेहाबाद से। क्या लग रहा है इस रैली के बाद समीकरण बदलेंगे? बहुत कुछ भाई साहब, आगे आगे देखना क्या क्या होता है। आज तो पसीने जन्मदिन पा रहे हैं। सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें खरा उतरी सरकार? वो पूरे नहीं किए, नहीं किए। देवीलाल की कृष्ण गांधी जी और खट्टर सरकार ने कहा था चौटाला ने 5100 रुपये भी ना टेंशन लेके मिला महंगाई को मार को देखते एक दरबार सुटा लाई सरकार बनेगी। महिलाएं जो है नाच रही हैं, पुरुष है वो नाच रहे हैं और हिसार के आसपास के गांव के जो लोग हैं वो ढोल पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद की अनाज मंडी की, तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको, जहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और लोगों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि बसों से भी लोग आए हैं, अपने वाहनों से भी लोग आए हैं। और चूंकि रैली को समझने के लिए हम उन लोगों के पास हैं जो लोग इस रैली में पहुंचे हैं, क्या मान रहे हैं वो। हाँ जी, युवा नेता, युवा नेता से मिलो आप, इन्हें लोग सरकार पक्की है भाई जी, रोकनी ही कौन ही। हाँ, बाकी लूट खपोट वाली सरकार है, अब्बे सिंह सत्ते हैं, बिन रोकनी ही कौन ही कोई। मैं तो जी आशा खेड़ा से हूँ जी, आशा खेड़ा से हूँ, और कोई रोक नहीं सकता अबे सिंह जी को सीएम बनने से। आ गई सरकार, आ गई, अब कोई नहीं रोक सकता जी। सिरसा जिला हरियाणा, क्या क्या लग रहा है कुछ समीकरण बदलेंगे इस रैली से? बिल्कुल बदलेंगे जी, बिल्कुल। जीन जिले से यही, जीन जिले से ही। हाँ जी, रैली में सरकार ने कुछ कामकाज किया? कुछ नहीं किया जी। हाँ, सरकार बदलेगी, अब ऐसी चौटाला की सरकार आएगी, भूखमरी याद करी, रोटी पेटियां बंद कर दी। हाँ, इसको सरकार को बहुत कमी, सरकार ना नौकरी देती, आज रेट पर लगाती है। हाँ, दुष्यंत चौटाला ने कुछ काम करवाए जींद में? हाँ, खूब जी, जींद जिला। हाँ, चौटाला में खूब कराए। दुष्यंत चौटाला ने करवाए कुछ? नहीं नहीं कराए उसको, बेकार, एक सीट भी नहीं आएगी, एक सीट भी नहीं आएगी, उसका वोट भी नहीं डालेगी, उसका उसका वोट नहीं डालेगी, उसको जो स्ट्रीट चार हो रही कागजों में जेल बंद हो जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। हाँ जी, मैं रूपाणा से आए हैं, रूपाणा खुर्द से आए हुए हैं। ये आपने चौटाला से
शो करने के लिए आए हैं। धन्यवाद जी। झूठा कोई लाज नहीं है, सिंह चौटाला का राज आएगा। हाँ भाई झूठ बहुत चाल ली, जो घर का नहीं प्रदेश का क्या होगा। दो ही हम तो जीता भी खड़ा था भी खड़ा था जीन जिला जीन जिला। कुछ काम हुआ जीन जिले में? कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मोदी ने जो वादे किए थे नहीं खड़ा उतरा, सारा अपना एरिया में ले गया। मोदी जो कुछ भी नहीं, भिखारी है यू। हाँ इस भिखारी को फैल होना है। सरदार जी कैसे आयो? लहंगे वाला गाँव से जी। अच्छा रोडियल का? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कुछ बदलेगा समीकरण? हाँ बदलेंगे जी, 2024 तक येलो पार्टी आएगी हरियाणा के अंदर। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। बुतन कला से? अच्छा बुतन कला से। कुछ लग रहा है कुछ बदलेगा? सोगा सो जीतेंगे, सोगा सो जीतेंगे, सोगे सो जीतेंगे। धन्यवाद। हाँ जी रूपाणा खुर्द से जी। क्या लग रहा है कुछ कामकाज हुआ? नहीं हुआ जी, कामकाज हुआ होता तो आज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती सर। अच्छा तीसरे मोर्चे का गठन इसीलिए हो रहा है। अच्छा तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है जी। ये बात आम कार्यकर्ता तक पहुंची है इस बात? जी भाई तीसरा मोर्चा बनेगा जी जरूर, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी भीड़ बड़ी है तीसरे मोर्चे के? हाँ बिल्कुल बड़ी है जी, तीसरे मोर्चे भीड़ भी बड़ी है या वोटर भी बड़े हैं? वोटर बहुत बड़े हैं जी, 90-90 सीट आओगी 2024 में, 90-90 सीट आओगी फिर आएगी जी। हाँ जी कोटलीगंज से सिरसा से जी। अब कहते हैं कि फूल अनेक है लेकिन गुलाब का फूल एक है, नेता अनेक है लेकिन चौधरी अवैध सिंह चौटाला एक है। जिला सिरसा में आया हूँ। अच्छा कौन से गांव से? रामपुरा बगड़िया। जे परिवार एक आ गयो तो जान आवेगी, मैं बिछड़े रहेंगे बिछड़े रहेंगे। तो अलग अलग ही अभी तो मैं होगा एक। अच्छा, मैं जाके मना लेंगा। अच्छा, मना लोगे? यही जीतेगी इन्हें लो सरकार आएगी। हाँ जी अब जी सरसा जिले हूँ मैं माधो सिंगाना से, मनोहर लाल खटरा है आप सरसा में। किसानों को बारों को कुछ नहीं कह गया, खेती है जी की बर्बाद हो रही है सारी, पूरा परेशान है जी। तो आपको तस्वीरें दिखा रही हैं हम इस रैली के मंच की, और मंच से पहले क्योंकि पंडाल है वहाँ पे जाने के लिए और इस रैली को समझने के लिए हमने जो लोग इस रैली में आ रहे हैं बसों से आए हैं अपने वाहनों से लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इस बार जो बुज़ुर्ग हैं वो हरी पगड़ी पहन के आए हैं, महिलाएं हैं वो हरा सूट है वो पहन के आए हैं। और किस तरह से समीकरण बदलेंगे और जो बड़े नेता आ रहे हैं वो इस रैली को लेकर के क्या कहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और चूंकि लगातार जो लाइव तस्वीरें हैं वो dsadaknama.com पे आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत